नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी पीएम किसान निधि की 12वीं किस्त उनके खाते में नहीं आई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी 13वीं किस्त जो है आने वाली है, एक दो दिन में हमारे अकाउंट में उसका पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी 12वीं किस्त अभी तक उनके खाते में नहीं आई, तो वो ये सोच रहे थे कि चलो 12वीं किस्त नहीं आई तो नहीं आएगी, आगे चल के जो जब 13वीं किस्त आएगी तो हमारे खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जिनकी 12वीं किस्त नहीं आई उनकी क्या 13वीं किस्त आएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जिन भी हमारे किसान भाइयों की 12वीं किस्त उनके अकाउंट में नहीं आई है, किसी न किसी कार्ड से किसी में लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम थी, किसी के बैंक खाते में NPCI नहीं था, तो दोस्तों अगर आपने इन सभी समस्याओं को ठीक करा लिया है तो आपके खाते में 13वीं किस्त आएगी। अगर आप में जो है कुछ दिक्कत थी, आपका लैंड सीडिंग नो था और जो है बैंक में NPCI नहीं थी, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपकी 13वीं किस्त भी आपके खाते में नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आपकी 12वीं किस्त नहीं आई और आपने अपनी समस्या सही नहीं करवाई है तो दोस्तों आपके खाते में 13वीं किस्त भी नहीं आएगी। आप जल्दी से जल्दी बैंक जाइए या फिर लैंड सीडिंग नो है तो अपने लेखपाल से मिलिए, उसको सही कराइए, तभी आपकी 13वीं किस्त आपके खाते में आएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे कमेंट करके पूछें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।